अब्दुल्ला भाई, केएल राहुल की टीम जीत गई, लखनऊ जीत गई। और शुक्र है मैंने आज लखनऊ को पिक किया हुआ था, वरना मैं अदरवाइज करता नहीं हूँ लखनऊ को पिक। लेकिन आज मेरा दिल कह रहा था कि लखनऊ को पिक कर लो, क्योंकि हैदराबाद का मुझे ये था कि इनका कॉम्बिनेशन ही सही बनेगा, क्योंकि इनका कैप्टन पहला मैच खेल रहा है, टीम में चेंजेस होंगे, वही हुआ। इनकी टीम को समझ ही नहीं है इन्होंने करना क्या है। ये लगातार बैक टू बैक इनका जैसे कहते हैं बैटिंग फ्लॉप हुई है, और ये ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी जो अभी तक बुरा हाल इसका हुआ है। ऐसे ही है इस आईपीएल में भी, ऐसे ही हो रहा है। जो मैं लगती थी ना स्ट्रॉन्ग टीम है, उनका ही बेड़ा गर्क हो रहा है सबसे ज्यादा। लेकिन जो भी है लखनऊ की जो आज परफॉर्मेंस रही है ना, लखनऊ ने सनराइजर्स हैदराबाद बहुत पुअर। लखनऊ ने एक चीज तो बताई है कि ये वन ऑफ द बेस्ट टीम इस पर नजर आ रही है टीम के अंदर। बेशक एक मैच पिछला हारे हैं, लेकिन इनकी जो जैसे कहते हैं ना वीकनेस थी आईपीएल के अंदर, पिछला सीजन भी लगा लें, वाला सीजन भी लगा लें, इनसे चेंज नहीं होता था। के एल राहुल की तो वैसी फेवरेट है ना लो स्कोरिंग मैच, वो जब लो स्कोरिंग मैच होता है वो तो शेर बन जाता है। और फिर आज जैसे कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस उसने दिखाई है, एक एंड संभाल के रखता है। तो भाई देखे ना, फिर भी मेरी नजर में के एल राहुल जितना स्लो खेला है ना आज, इतना स्लो खेलना नहीं चाहिए था। वो इसकी वजह क्या है, देखे तेज खेलते टारगेट उतना था नहीं, तेज खेलते बेहतर करते हैं अपना। वो तो बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम पहली इनिंग्स को देखें तो पिच में टर्न तो था, पांड्या को विकेट मिली, स्पिनर्स को बड़ा स्पिनर्स को बड़ी मदद मिली थी। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आई ना सनराइजर ने जो गलती की है वो ये थी कि आप जानते हो काइल मायर्स जिसे कहते हैं फास्ट बॉलर को खतरनाक जिसे कहते हैं हिटर है, आपको चाहिए था शुरुआत ही स्पिनर से करते, शुरुआत स्पिनर से करते, अच्छे किस्म की बल्लेबाज बॉलिंग करवाते तो जिसे कहते हैं ना उसको पकड़ा जाता। आपने फास्ट बॉलर लगाए तो काइल मायर्स वैसे तो आउट हो गया, वो उसने कोई अच्छी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई लेकिन वो आउट हो गया। लेकिन फिर भी मैं समझता कि प्रेशर आ सकता होता था। दूसरी तरफ उन्होंने केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, तेज स्टार्ट मिला, पहले ओवर में रन पड़े। और रही बात जिसको कहते हैं आईपीएल के मैचेस की, तो पता नहीं क्यों बड़े बोरिंग मैचेस हो रहे हैं यार। वाकई दसवां मैच था आज, बहुत बोरिंग। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स का मैच आखिरी ओवर तक गया, आखिरी बॉल तक नहीं, आखिरी ओवर तक। गुजरात और चेन्नई का मैच आखिरी ओवर तक गया, आखिरी बॉल तक नहीं गया। अभी तक कोई एक मैच अभी तक जिसे कहते हैं ना सही झासू मैच, आखिरी बॉल तक मैच नहीं गया। ये जिसको कहते हैं ना कमी फील हो रही है मुझे आईपीएल के अंदर, दसवां मैच आज हो गया, आठ मैचेस वन साइडेड हुए, एक मैच बारिश की नजर हुआ है, सात मैचेस वन साइडेड हुए हैं और दो मैचेस जिसको कहते हैं ना आप कह सकते हो कि आखिरी ओवर तक गया। लेकिन जिस चीज के लिए आईपीएल फेमस है, फाइनल बॉल जिसको कहते हैं ना, मजे के मैचेस होते हैं जो पिछले सीजन में बड़े हुए थे, इस सीजन में अभी तक उस किस्म का कोई मैच नहीं आया। आई होप अभी बड़ी आईपीएल पड़ी हुई है, अभी जिसको कहते हैं ना आधे से ज्यादा महीना पड़ा हुआ है, एक महीना और आधे से ज्यादा महीना पड़ा हुआ आईपीएल के अंदर, तो आई होप कि आगे जाके मैचेस ऐसे हो। और जो कल इतना बड़ा मैच है एल क्लासिको मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, वो फाइनल ओवर तक जाए, फाइनल बॉल तक जाए, मैं ये चाहूंगा। आप इसको आप तो बार बताते हैं, लेकिन उसको उस पे आते हैं ना। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि सनराइजर ने गलती क्या की है, आपने जो इसको पिक किया था कहाँ गलती की है इन्होंने? यार मुझे लग रहा था कि ये बड़ी जबरदस्त टीम है, टीम अच्छी लग रही थी, लेकिन हैरी ब्रुक की वजह से मैंने किया था। पहले मैच में भी कुछ ने परफॉर्मेंस नहीं दी, दूसरे मैच में भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस, सिर्फ तीन चार स्कोर उसने किए हैं, तो ये बड़ी गलती है यार। प्रेशर इनके ऊपर है जब इनका कैप्टन पहली बॉल के ऊपर आके आउट हो गया, बॉल के ऊपर बड़ा प्रेशर है, खेल ही नहीं रहे यार सही तरीके से। प्लेयर्स अच्छे खासे स्ट्रीम के अंदर प्लेयर्स हैं, बॉलिंग भी आप देखें भुवनेश्वर है, उमरान है। लेकिन आपने एक नोट किया होगी चीज, ये आईपीएल में अब तक जो है ना ज्यादा स्पिनर्स को बड़ी मदद मिल रही है, स्पिनर को बहुत मतलब मदद मिल रही है। आज पांड्या ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ये जो जहाँ पे आपने जो आज लखनऊ की पिच देखी है ना, ये ऐसी पिच होती नहीं थी, ये हमेशा जिसको कहता है ना बैटिंग फ्रेंडली विकेट हुआ करती थी, लेकिन आज इन्होंने वो विकेट चूज की जिसके ऊपर स्पिनर्स को मदद मिली थी, क्योंकि ये जानते थे कि सनराइजर हैदराबाद के जो प्लेयर्स है ना वो तो उनकी वीकनेस है स्पिनर, उनके खिलाफ उन्होंने अपनी होम ग्राउंड का फायदा उठाया और वो वाली विकेट को यूज किया जिससे उनको मदद भी मिली है, मदद मिली है उनको। खैर जिसको कहते हैं लखनऊ को मुबारक हो, दूसरा मैच अपना उन्होंने नाम लेकिन कर लिया। भी मेरी नजर में केएल राहुल स्लो खेला, स्लो खेला, मुझे लगता है यार उसको उतना तेज खेलना चाहिए था, तेज खेलता रन रेट बेटर करता टीम। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिसको कहते हैं ना वो सही खेला है, क्योंकि सिचुएशन इतनी कोई खास नहीं थी, उन्होंने स्टार्ट में ले लिया था तो उसने एक एंड संभाला था, तो मेरी नजर में आज मैं केएल राहुल कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ अगर केएल राहुल आज भी आउट हो जाता ना तो लखनऊ का कुछ भी हो सकता भाई, वो तो उसका फेवरेट मैच था ना आज, शॉर्ट मैच था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो जो एंकर रोल वाली इनिंग था जो खेल गया और टीम उसकी जीत भी गई है, तो इसलिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं। हाँ आप जिसको कहते हैं ना केएल राहुल के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती क्यों कर रहे हैं भाई, मेरे को देखा इतना, अगर ये ऐसे बाबर खेल रहा होता ना तो फिर लोगों ने उसकी लाप आगे आदमी बढ़ा देनी। लेकिन अब्दुल्ला भाई अब ये भी तो देखे ना कि ओवर कितने पहले ओवर उन्होंने खत्म किया मैच, ये भी तो क्वालिटी है ना टीम की। ये तो नहीं ना कि वो सात ओवर में खत्म कर ले, दस ओवर में खत्म कर ले, चले कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जल्दी तो खत्म किया ना, ओवर पहले खत्म किया है। अलबत्ता कहते हैं कल के मैच की बात करें तो कल दो मैचेज है, डबल हेडर है सैटरडे को,
पहला मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। दिल्ली अभी तो कोई मैच जीते नहीं, डेविड वार्नर आते साथ स्लो खेलते हैं, मिचेल मार्श पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, दिल्ली का वो दिल्ली वाला काम हो नहीं रहा। लेकिन अगर ये तीसरा मैच भी हार गए ना तो वक्ते पड़ जाएंगे। न्यूज आपको दे देता हूँ, मिचेल मार्श चलेंगे ऑस्ट्रेलिया वापिस, क्योंकि उनकी जिसको कहते हैं शादी है तो वो चलेंगे शादी पे। इसी के साथ साथ बटलर शायद बड़े पैर बार हो रहे हैं यार, बटलर जिसको कहते हैं शायद कल का मैच खेले ना, क्यों, क्योंकि बटलर की जो फिंगर पे जो इंजरी हुई थी पिछले मैच में, ओपनिंग भी उन्होंने की थी, उनकी फिंगर पे लगा था बॉल, तो उनको स्ट्रिचेस लगे हुए हैं, शायद वो जिसको कहते हैं ना कल का तो मैच ना खेले। गया उसका नहीं, गया नहीं, वो छोटा सा माइनर सा है। विराट कोहली ने 8 टांगे लगे हुए आईपीएल में सेंचुरियां मार दी थी। विराट कोहली था यार वो, एक हफ्ते का उसको कहते हैं ना, कहा सुनने में आया एक हफ्ते का उसको रेस्ट दिया गया है बटलर को। तो मतलब कि दोनों टीमों के दो मेन प्लेयर जिसको कहते हैं ना बाहर। अब्दुल्ला साहब क्या लग रहा है फिर आपको आज? यार देखे, बेशक दिल्ली पहले दो मैच हार चुकी है अपने, लेकिन फिर भी मैं कल दोबारा दिल्ली के साथ जाऊंगा। ओ, दिल्ली आपको बहुत पसंद है यार। मैं, मुझे पता नहीं कल क्यों लग रहा है कि जितनी दिल्ली की बेइज्जती हो चुकी है ना, स्पेशली डेविड वार्नर की वजह से हो गई भी है, तो मुझे लगता है कि कल जो है ना मैच मजेदार होगा। कल सरफराज खान को तेज खेलना पड़ना, डेविड वार्नर को सबसे पहले राइली रूसो के पास एक चांस है कि वन डाउन के ऊपर है, क्योंकि मिचेल मार्श नहीं होगा, तो राइली रूसो अच्छी पोजीशन पे खेल के रन करता है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कल बनती है ओपनर्स की, यानी डेविड वार्नर का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और अगर वो फिर कल स्लो खेल रहा है तो मैं कहता हूँ मैंने कभी पिक ही नहीं करना इसको। चले जी, आपका तीसरी दफा मैं पिक कर रहा हूँ इसको। चले जी, एक्सपेक्टेड वार्नर को पिक कर लिया। नहीं नहीं डेविड, हाँ वो भी सकता है, लेकिन जब चांस दे रहे लास्ट में तो फुल चांस है, डेविड वार्नर कर लेते। ओके हो यार, ओके कहते हैं अगला मैच, सबसे बड़ा मैच धोनी वर्सेस रोहित। एक तरफ 5 ट्रॉफीज है तो दूसरी तरफ 4 ट्रॉफीज है। मैं मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस को, ये मुझे पहले ही पता था इस बंदे ने मुंबई यार, पता क्या है उसमें इंडियन प्लेयर्स हैं और वो भी बड़े टॉप के, तो फिर मुझे जरा मुंबई इंडियंस पसंद। लेकिन पीछे धोनी भी तो है ना, धोनी कुछ भी कर लेता है, और बंदे की चीज है मुंबई, मुंबई के लिए इजी इसलिए कि मुंबई अपने घर में खेल रहा है, वानखेड़े में खेल रहा है, तो मुंबई के लिए इजी भी होगा। फैक्टर बता दीजिए, एक्स फैक्टर बता दीजिए यार। सूर्य कुमार यादव को कर लेते हैं, लेकिन मुझे वो लग नहीं रहा इतना, लग नहीं रहा तो फिर क्यों कर रहे हैं? वही ना, वही बात है ना, क्योंकि वो परफॉर्मेंस उसकी कोई इतनी खास। तिलक वर्मा पिछले मैच का हीरो, तिलक वर्मा वो चले, वो एक दफा तुक्का लग गया था होता है। अच्छा अगर वो कल भी चल गया तो फिर तो अच्छा प्लेयर हुआ। अच्छा प्लेयर होगा, क्यों नहीं होगा। चले ओपनर में निकाल लेते हैं ना, ओपनर्स में से रोहित शर्मा को आप पिक करना चाह रहे हैं, ईशान किशन को आप पिक करना चाह रहे हैं? रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा। तो चेन्नई सुपर किंग्स से आपको फिर क्या लगता है, कौन से एक्सपेक्टर होंगे? यार चेन्नई देखिए, मैं आपको पता है एक्सपेक्टर में ज्यादा ना मैं ऑलराउंडर के साथ जाता हूँ, तो मोइन अली और बेन स्टोक्स मेरे लिए हैं कि वो हो सकते। पिछली टीम से भी फिर ऑलराउंडर के साथ चले जाते मुंबई के साथ? नहीं, मुंबई के यार ओपनर्स बड़े, कैमरून ग्रीन है तो सिर्फ जबरदस्त ओपनर्स, ओपनर्स उनके ऐसे हैं, उनके पहले 3 प्लेयर्स ही बड़े जबरदस्त हैं, तो वो मैं इसलिए मुझे तो लगता है उनके पहले 5 प्लेयर ही बड़े जबरदस्त, सारे बहुत जबरदस्त, रोहित शर्मा, किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा पिछले मैच में देखा उसको, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड उनके पास है भाई, इसलिए तो कह रहा हूँ टीम देख रहे, टिम डेविड भी है, तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कल जीतेगा मुंबई इंडियंस। चले देखते हैं कल, हैदराबाद और लखनऊ का जो मैच हुआ, इसके अंदर सबसे ज्यादा कसूर आपको किस चीज का लगा, कितनी गलती की है? ऑब्वियसली हरी ब्रुक का, इतना महंगा प्लेयर लिया, 13 करोड़ का प्लेयर ले लिया उन्होंने, और 2 मैचों में चला के वो कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि उसी का कसूर था सारा, उस पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको खेलना चाहिए था। अच्छा एक बार मैं ट्विटर पे बड़ा देख रहा था, लिखा हुआ था जी पीएसएल प्रोडक्ट है हैरी ब्रुक, पीएसएल प्रोडक्ट है, तो भाई पीएसएल प्रोडक्ट को देख ही आपने 13 करोड़ का ले लिया था उसको, अब आप कह रहे हैं कि पीएसएल प्रोडक्ट है इसलिए बचा ले जा, तो ये साथी कर रहे हैं यार। अभी वो जिसको कहते हैं ना बड़ा अच्छा सा करियर है, खाली पीएसएल में नहीं, उसने इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आया है, बात उसकी इंटरनेशनल मैचेस में टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़ी अच्छी नहीं है, यहाँ पे उसको समझ नहीं आ रही, जज्बाती होता था कभी स्लो पिछले मैच में, आज के मैच में जज्बाती होकर आगे बढ़ के मारने लग गया, वो रिस्पॉन्सिबल है, और शायद उसको चांसेस भी ज्यादा मिले, क्योंकि नीचे हेनरी क्लॉसन पर है, ग्लेन फिलिप्स पर है, वो भी दो जबरदस्त किस्म के प्लेयर है, तो देखते क्या बनता है। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह से कहते हैं ना फिर आपके साथ कल जुड़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।